DHM Music presents DHM Music. भीषण जी अपनी अंतिम सैया पर लेटे हुए अब कौरवों के पास एक महर्षि शेष बचता है जिसका नाम था महाबली करण। करण शक्तिशाली था, बलवान था। उन कौरवों ने अपना सेनापति उस करण को बना दिया। चारों तरफ खबर फैल गई कि भाई कल जो रणभूमि में युद्ध होगा बड़ा ही निर्णायक होगा, अर्जुन और कर्ण के बीच में बेरानी किसकी जीत होगी। बताते हैं कि इस बात को सुनकर के श्री कृष्ण भगवान भी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण क्या चीज है, कर्ण के पास क्या शक्ति है। इस उदास अवस्था को देखकर वो कुंती न्यू कह लागी, रे अंतर्यामी, अरे तेरे चेहरे पर ये उदासी का क्या कारण है। के बुआ जी, के तू नहीं जानती के ना, के कल गंधारी की जीत पक्की है, कोई नहीं हटा सकता। अकरे, अब तक तो हमारी जीत होती आ रही थी, अब अचानक ऐसे कैसे हो सकता है कि अब तक तेरे पुत्रों का मुकाबला शेर के साथ नहीं पड़ा, और कल जो युद्ध होगा वो मैं जानता हूं किसके साथ होगा। किसके साथ? के उस कर्ण के साथ होगा, और कर्ण को मैं जानता हूं कि कर्ण क्या चीज है, कितना शक्तिशाली है, बलवान है। अब वो कुंती न्यू कह लागी, रे फिर जब तू ही डरन लाग गया तो मेरे पुत्रों का क्या होगा, कोई ऐसा यतन बता कि मेरे पुत्रों के प्राण बच जाएं। श्री कृष्ण जी ने कह लागे कि जा महारानी, तेरे बेटों के वो प्राण दान में दे देगा, जिन बाणों का भय कुंती वे बाण दान में दे देगा, और मेरी ओर ते पास तने इम्तियान दान में दे देगा, और बाणों की क्या बात है कुंती, वो जान दान में दे देगा। के कर्ण शक्तिशाली है, बलवान है, लेकिन इसके साथ साथ दानवीर भी इतना ही बड़ा है। जो भी उसके द्वार पर गया है वो खाली को न आवे, और तू भी जाके कुछ मांग ले। ये बात सुनकर के वो कुंती वहां से चल देती है। चलते चलते कर्ण के द्वार पर पहुंची, लेकिन मन में तरह तरह के ख्याल आवे कि अगर कर्ण अपने बारे में मेरे बारे में कुछ बुझन लागे तो क्या जवाब देगी। ये सोचते सोचते कर्ण के द्वार पर पहुंची, जाके देखा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई दानवीरों की, एक तरफ कोने में बैठ करके रोने लग जाते। सजनों, उस कर्ण की नजर पड़ी, तेनू कह लागे भाई सबसे पहले इस दुखिया का दुख सुनूंगा, इसके बाद जब और न देखूंगा। उसके पास जाके देखा, रे तो कुंती है। आओ कुंती, कैसे आई हो? ये शब्द कुंती शब्द जब कर्ण के मुंह से सुने ते आंखों में आंसू आ गए। न्यू के लागी, रे मैं कुंती को न्या, मैं तेरी माँ हूं। कि मेरी माँ, तू कैसी माँ है? मैं तो एक ही माँ को जानता हूं, और वो है राधा, जिसने मेरा लालन पालन किया। फिर तू कैसी माँ है? अरे बेटा, मैंने तेरे को अपनी कोख से जन्म दिया है। नू बोले, अरे ये बता, कितना माया कौन सा फर्ज निभाया? क्या माँ का यो फर्ज हुआ करे के औलाद पैदा करी और गंगा जी में बांधी? तू ये बता, तेरे पर कौन सी विपताएं पड़ी जो आज इस कर्ण की याद सताई? बोली, रे बेटा, अरे मैं तेरे मुंह से एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं, और आज तेरे को बताऊंगी कि तेरे को कुआरी का क्यों कहा गया, सारी गलती मेरी थी, और एक बात के द्वारा कैसे क्या कहने लगी, क्या बता दे।
चार हुई वो मेरा दिल रोवे भी क्या कह दे मेरा मन भर जाता Oh,
Another update.